अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए हमको चाहिए एक सेफ्टी नाइफ, और मेजरमेंट करने के लिए चाहिए स्केल चाहिए हमको, और अच्छे से राइट एंगल जो भी है वो लेने के लिए हमको एल स्केल चाहिए, जो राइट एंगल जिसको कहते हैं ये वाला, और एक मार्किंग के लिए पेन चाहिए, और एक सैंड पेपर का ब्लॉक, और सैंड पेपर होने से भी चला जाए हो जाएगा ये हर एक पार्ट्स को जोड़ने के लिए। ये पूरा मॉडल हम हॉट ग्लू से ही बनाएंगे, और ये है ग्लू स्टिक, ये एक होने से हो जाएगा, ये छोटा मॉडल है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 5-7 पार्ट ही है। सबसे पहले हम जो हमारा जो फीस बॉक्स जो होता है, मैंने हमारा चैनल पे पहले भी एक दो वीडियो है, आप देख लेना इसको कैसे कट करना है। ये जो हमारा फीस बॉक्स का जो बॉक्स जो होता है वो हम ले लिया, उसके बाद हम उसको ऐसे पतला कर लिया 2.5 mm में। उसके बाद हमको मैंने एक एक माप के लिए पहले ये काट के रखा है, काट के रखा है, इसका माप थोड़ा सा आप समझ लेना। ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा, ये होगा विंग का पार्ट, तो यही है मेन हमारा मापने का तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको विंग विंग का जो स्पैन और विंग का जो कॉर्ड है वो डिसाइड कर लेना है कि इतना कॉर्ड होगा इतना स्पैन होगा। ये जो कॉर्ड लेंथ है उसी का बराबर में ये आगे से जो विंग का आगे का जो पार्ट होगा, नोज पार्ट होगा, उसी का सेम साइज का होगा, और ये पीछे का जो साइज होगा ये होगा 1.5। ये जो साइज है इसके साथ 1.5 का माप होगा इतना तक, और ये जो जगह है ये है टेल प्लेन को रखने के लिए। ओके, सो इसको हम पहले दो पार्ट कर लेंगे, और एक सीट से हम एक काट लेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट्स एक ही जैसा होना चाहिए। तो ये हमारा नीचे का जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, हम सबसे पहले इसको काट लेंगे। और इस वीडियो बनाने में हमारे साथ काम कर रहा है स्वस्तिक एंड सौरभ, दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन का पार्ट अच्छे से देख लेना और पूरा वीडियो देख लेना, तो ये मॉडल बच्चे के लिए और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रिम वगैरह सब देखने से आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा शुरुआत का। तो सबसे पहले इसको हम एक कॉपी बना लेंगे, और एक लाइन कर लेंगे सेम सेम उस इसी को बैठा के, क्योंकि ये हमारा नाप का काम करेगा, जो हमारा जो साइजिंग होगा इसी का सेम सेम होगा। तो सबसे पहले सौरभ जो है इसके ऊपर अच्छे से पकड़ के उसके ऊपर लाइन कर रहा है, उसके बाद हम इसको काट लेंगे। ये हो गया हमारा लाइन, अब इसको कट कर लेंगे अच्छे से, जो स्ट्रेट लाइन होगा वो स्केल से, और जो कार्व लाइन होगा और अगर कुछ टेढ़ा लाइन अगर है तो उसको हम हाथ से कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थर्मोकॉल जो होता है ये बहुत सॉफ्ट चीज़ होता है, इसके ऊपर ज़्यादा आप कुछ मतलब ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ये टूट फूट जाएगा। हमारा पहले एक जो था वो टूट गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये हम थोड़ा सा पहले थोड़ा ज़बरदस्ती करने गया था तो ये टूट गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब भी इसी जैसे पतला साइड जब भी होगा थोड़ा सा ध्यान से काम करना, क्योंकि ये जो साइड होगा ये तो स्ट्रांग है क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह है, लेकिन ये जो साइड होगा थोड़ा सा अब ध्यान से काम करना। ये भी काम पे आ जाएगा। अगर ऐसे हो गया तो आप थोड़ा सा फेविकॉल देके ऐसे रख देने से ये अच्छे से चिपक जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये काट हो गया है, ये सेम सेम हो गया है दोनों। अभी इसका जो एक्सटीरियर ऑलमोस्ट सेम ही है, हम फिर भी इसके इसके अंदर साइड जो ये जो थोड़ा रफ साइड जो है इसको हम घिस के हल्का से मतलब इसका जो प्लेन कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा और थोड़ा साइज में भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा दोनों पार्ट आ गया, ये हमारा दोनों पार्ट आ गया। सबसे पहले हम जो करेंगे वो है, हम 60 नंबर का जो सीरीज पेपर होता है उसका ब्लॉक से थोड़ा सा घिस लेंगे ताकि ताकि हमारा ये जो लाइंस है ये सब हट जाए, ऐसे ऐसे पूरा प्लेन हो जाए। और उसके बाद हम 180 सीरीज पेपर से घिसेंगे तो कि पूरा स्मूथ हो जाए। ये 180 वाला पोर्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 180 वाला पोर्शन है, ये कितना स्मूथ हो चुका है। और ये जो पोर्शन है थोड़ा सा अभी राफ टाइप का है तो इसको हम पूरा एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो हर एक जो पार्ट्स और पुर्जा है जैसे कि फ्यूजलेस का साइड, बॉटम, टॉप, विंग एंड ऑल जो भी है सब हम निकल रहा है, उसके बाद हम जोड़ेंगे। तो अभी हम एक थर्मोकोल का सीट ले लिए 2 mm का, 2.5 mm ऑलमोस्ट, 2 2.5 जो भी लेंगे हो जाएगा, कोई बात नहीं। और उसके ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन किया और ये जो हमारा जो मैक्सिमम जो थिकनेस होगा जो नोज़ का जो थिकनेस होगा वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक नोज, इसलिए इस टाइम पे हमारा राइट एंगल का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम पूरा ऐसे कर लेंगे, टिप टे सब धर बस, ये हम कर लिए। जो नोज का एरिया है उसका हम नाप लेंगे। पहले हम 90 डिग्री करके दो तीन, जैसे कि ये पोर्शन में, ये पोर्शन में और ये पोर्शन में और ये इस जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे पूरा सा। तो ये जो माप वगैरह जो है, ये जो लाइंस जो है इस हर एक लाइंस पे हम एक एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल जो है वो ले सके। और अब देखते रहिए क्योंकि ये एयर मॉडल जो होता है वो क्राफ्टमैनशिप और थ्योरी दोनों का ज़रूरत होता है। तो अब देखते देखते आप समझ जाओगे। अब थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, हम राइट एंगल को बिठा के जो हमने स्ट्रेट लाइन किया उसके उसके मदद से, राइट एंगल के मदद से हम इस पे सब 90 डिग्री करके एंगल कर लेंगे क्योंकि हमको हमारा जो नाप होगा वो अच्छा रहेगा माप लेने में। उसके बाद हम अब देखिए डाउन साइड बॉटम साइड जो होता है वो कैसे निकलता है। और ये जो मैंने प्रोसेस दिखा रहा हूँ ये प्रोसेस आप RC पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप वुड पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो टेक्निक होता है ये एक्चुअली ऑफिशियल टेक्निक होता है एयर मॉडल बनाने का, आपको नेट पे और यूट्यूब में बहुत, यूट्यूब और नेट पे बहुत सारा मिल जाएगा जो फोम बोर्ड बैन करके ये करके वो करके बना रहा है। और मैं उतना बड़ा यूट्यूबर तो है नहीं मैं, लेकिन मैं मेरा 10 साल का एयर मॉडलिंग का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये जो कंस्ट्रक्शन मैं दिखा रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। और ये एरोडायनेमिक्स का जो मतलब मेंटेन करके ये होता है, जो ओरिजिनल जो प्लेन होता है, आप चाहे कितना बड़ा प्लेन बना लीजिए अगर अगर आप इसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ और उसका एरोबेटिक्स वगैरह सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा।
यूज़ करते हैं, तो मैंने इसीलिए सबसे पहले से ही आपको यही कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप छोटा से जितना चाहे बड़ा कर लीजिए, ये बहुत स्ट्रेंथ आ जाता है इस टाइप के। तो ये हमने 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमने ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन होगा इस लाइन पे मिडिल करके दोनों साइड पे 2.5 मतलब 1.25 करके आप एक एक साइड पे इस मार्किंग कर लेंगे। ये जो है ये 1.5 करके हम नाप ले रहे हैं। उसके बाद हम लास्ट का जो पॉइंट होगा ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये जो है ये हमारा पार्ट है, ये जो एंड है यहाँ पे भी एक लाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन करना है। ये जो लास्ट का जो नाप जो होगा इसको हम हाफ सेंटीमीटर ले लेंगे, 0.5 सेंटीमीटर जो होता है। इसके बाद जो हम करेंगे, ये जो पॉइंट जो ले लिया ये हम जोड़ लेंगे ऐसे करके, ठीक है। पहले जो इक्वल जो पार्ट है ये हम जो मार्किंग है वो हम कर लेंगे। उसके बाद हम जो करेंगे ये जो नैरो जो एरिया है ये हम डायरेक्ट लाइन से कर लेंगे। तो हमारा जो नीचे का जो पोर्शन है मतलब जो टॉप व्यू जो होगा, टॉप व्यू और बॉटम व्यू वो निकल गया, और लाइन जितना हो सके अच्छे से नाप करके तानना, लाइन को जो मार्क करना तो अच्छा रहेगा। तो हमारा जो फ्यूजलेस का जो पार्ट है वो हो गया। उसके बाद हम जो है थोड़ा सा मोटा सा थर्मोकोल ले लेंगे, थोड़ा सा मतलब वो अगर 2.5 mm है तो ये होगा 4.5 mm से 5 mm तक मैक्सिमम। विंग का नाप जो होगा इसको लेने के लिए हम पहले फ्यूजलेस का जो साइड ले लिया उसको हम ले लेंगे, साइड या बॉटम कोई भी एक ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब उसका जो लेंथ है वो ले लेना है। ये हमारा टोटल फ्यूजलेस का लेंथ होगा। तो इससे हम थोड़ा सा बड़ा मतलब दो साइड में 1 इंच 1 इंच करके छोड़ के हम ऐसे इनिशियली माप लेके ये वाला मॉडल हम बना रहा है तो हम ऐसे ही बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा 1 इंच करके छोड़ के हम ये माप लेने वाले हैं, और इसका जो स्पैन जो होगा, कॉर्ड जो होगा वो इसका ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से जो नाप है उसी का इक्वली होगा। आप थोड़ा सा देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। ये जो हम पहले एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे 15 इंच का, उसके बाद वहाँ से हम मिड लाइन करके उसी की लाइन के ऊपर हम जो ये हमारा जो कॉर्ड होगा ये होगा 3 इंच का। तो हम 3 इंच पहले एक बॉक्स कर लेंगे, 3 इंच बाई 15 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम वो फाइनल टिप वाला डिज़ाइन और वो एलियन वगैरह जो भी है वो हम कर लेंगे। यहाँ पे भी स्केल बैठाएंगे और इसका मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका जो है ये 1/3 1/3 ले लेंगे। ये जो माप होगा यहाँ से तीन, इसका जो तीन पार्ट से एक पार्ट ले लेंगे,
1/3 जो माप होता है आगे आगे में 1/3 होगा, वहां से एक स्ट्रेट लाइन करेंगे क्योंकि वो हमारा कर्वेचर लाइन होगा। ये मिड पॉइंट में लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तब जाके ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये जो हमने जो ये जो पार्ट जो कर लिए, यहाँ से हम जो हमारा कोई भी एक साइड से हम ले लेंगे क्योंकि ये पूरा सेम है, तो ये हम ले रहे हैं लीडिंग एज। तो ये जो लीडिंग एज का जो पोर्शन होगा इसको हम एल लिख लेंगे, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये पूरा होगा ट्रेलिंग एज। सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पतला हो जाएगा पूरा और आगे से गोल हो जाएगा। मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये मेन मेन कर्वेचर एरिया है, यहाँ से इसको घिसना पड़ेगा और जो आगे से इसको गोल गोल करके घिसना पड़ेगा। तो ये कैसे घिसेंगे ये आप देखना। आप चाहो तो पहले एक एरोफॉइल शेप ऐसे, मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं इसको ड्रॉ कर लिया, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको पहले एक कागज़ के ऊपर ड्रॉ करके उसके बाद आप दोनों तरफ में कर लेना है, तो ये क्या होगा अच्छा रहेगा। मैं आपको इस साइड पे करके भी दिखा रहा हूँ। ये लाइन जो मैंने कर ली है, इसको इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझ जाइए। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये है रिब। सबसे पहले विंग का आगे वाला पोर्शन नीचे से इतना सा राउंड होगा इस लाइन तक, ठीक है, और इसके बाद लाइन पे। और ध्यान रखना है जब जब घिसना है या काटना है, इस लाइन को नहीं घिसना है। नीचे भी हम ऐसे एक मार्क लगा लिया ताकि हम इसके इसके नीचे हम गलती से भी जाना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अब ध्यान पर रखना, ये है बॉटम साइड, ये वाला जो पार्ट है ये है बॉटम साइड, और ये वाला जो पार्ट है ये है टॉप साइड। तो हमको जो एरोफाइल जो निकलेगा वो ऐसे करके निकलेगा, ये जो लाइंस जो दिया हुआ है वो ऐसे करके दिया हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान पे रख लेना ये वाला चीज़। इसको हम बारीकी से देख देख के अच्छे से देख देख के अच्छे से ये वाला जो पोर्शन है ये आप देख सकते हैं कि आगे से थोड़ा सा राउंड हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे है, और थोड़ा घिसने की वजह से थोड़ा ये वाला जो मिडिल का जो पोर्शन है वो तो ऑलमोस्ट हो गया। तो जो ध्यान में रखना है, अभी ये मिडिल वाला पोर्शन को घिसना नहीं है, तो बस ये साइड वाला पोर्शन जो है ये अभी ये घिस घिस के पूरा ठीक ठाक लाइन पे ले आना है। अभी जो है ये वाला जो पार्ट है, ये पीछे का जो हिस्सा है, मतलब ट्रेलिंग एज का जो हिस्सा है, ये हम रख के पूरा फ्लैट करके घिस लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से थोड़ा सा घिस लेंगे, उसके बाद यहाँ से आस्ते से धीरे 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 करके उधर जाएंगे। तो पहले 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 पतला साइड नहीं कर लेना है, तो मोटा साइड करने से वो टूट जाएगा, पहले मोटा से धीरे धीरे करके पतला साइड कर लेना है।
यहाँ से क्या करना है, यहाँ से पूरा इसको पूरा ऐसे करके सीधा कर लेना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसके साथ पूरा ऐसे सीधा कर लेना है, तो कि ये ना टूटे, ठीक है। और इधर से जब ये हाथ इस साइड पे आएगा तब प्रेशर नहीं रहेगा, जब इस साइड पे जाएगा तब तब रहेगा प्रेशर, ठीक है। तो इसे करने से क्या होगा, ये नहीं भी टूटेगा और सबसे अच्छा शेप आ जाएगा। ये जो लाइन जो है ये लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से ऐसे करके फ्लैट फ्लैट करके देखिए आप, जैसे ये घिस रहा है तो ऐसे घिसने से ऐसे ही आएगा। ये घिसने की घिसते घिसते ये जो मिड लाइन था ये मतलब चला गया था, तो मैं फिर से अरे कर लिया, क्योंकि ये मिड लाइन हम अभी अभी पूरा से कर लिया, और नीचे के साइड हम बस 120 का जो सीरीज पेपर है उसी से हम घिसेंगे। और अभी अभी ये देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, अभी इसको बस फिनिशिंग थोड़ा सा करना है, मतलब अभी स्वस्तिक जो कर रहा है इसको, ये देखिए इस साइड अभी अभी मिला नहीं है, इस साइड ऑलमोस्ट मिल चुका है। ये जो पार्ट है यह हम टिप के लिए थोड़ा सा ऐसे करके लाइन कर लिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकाले आप थोड़ा सा देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको काट लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा जितना एक्स्ट्रा हम काट सके यहाँ पे नाइफ से काट लेंगे। ये बॉटम साइड पे है, ये पूरा कर लेने के बाद ये बॉटम साइड घिसना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये लीडिंग एज निकल गया है, ठीक है। ये मतलब विंग तो निकल गया है, अभी जो है हमको ये लीडिंग एज जो है वो निकलना है, ठीक है। ये जो नीचे का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा राउंड कर देना है, यहाँ से हल्का सा ये कॉर्नर घिस के हल्का सा राउंड राउंड कर देना है, ताकि ये अच्छे से एरोफल शेप आ जाए, कोई 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 ड्रैग वगैरह ना रहे। ये बहुत अच्छा सा विंग एक ऑलमोस्ट निकल गया। नीचे नहीं से बस, हाँ
फोन करते हैं। ये जो ट्रेलिंग एज का जो थिकनेस है, ठीक है, ये ट्रेलिंग एज का जो थिकनेस होता है, ये थिकनेस को लेके यहाँ से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मार्क करना है। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे एक मार्क करना है। ये देखिए दोनों साइड पे हमने हमने कर लिया। और उसके बाद ऊपर ऊपर को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 उंगली से पकड़ के ऐसे करके और एक लाइन यहाँ पे कर लेना है ऐसे करके। तो क्या होगा, इस लाइन से अभी गोल गोल करके इस लाइन को जस्ट टच करना है इसके। तुम्हें आपके फोने कॉल करो। ओ ना ना ना, ठीक है सॉरी सॉरी ना, ठीक है अभी ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा हाथ में लेके करना पड़ता है, क्योंकि ये जो घिसने का जो तरीका है ये थोड़ा सा राउंड राउंड करके घिसना पड़ता है। मतलब ये अंदर के साइड से आउटसाइड में पूरा राउंड राउंड करके जाएगा। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर, ये जैसे राउंड राउंड करके जैसे ऐसे करके घिसना पड़ेगा। नीचे का जो पोर्शन है वो ऐसे करके घिसना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखकर घिसना। तो अभी 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 दिखा रहा है कैसे करके ये इस साइड पे कैसे करके घिसना है। ट्रेलिंग एज के जो साइड है उस साइड पे आगे नहीं धकेलना है, क्योंकि पीछे से एक दो दाना अगर निकल जाएगा थर्मोकोल का तो वो शेप खराब हो जाएगा। तो बहुत धीरे धीरे से इस साइड पर घिस लेना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको इसको नहीं घिसना है, बाकी बाकी सारा लाइन घिस जाएगा, ऐसे करके घिसना है। अगर आप देख रहे हो कि थोड़ा बाहर में तो थोड़ा सा अंदर कर लेना है, ठीक है। सबसे सबसे अच्छा जो तरीका है उसको पूरा ऐसे करके रखिए और उसके बाद इसको बस एंगल को सेट करके घिसते रहिए तो ये निकल आ जाएगा। अभी जो मैंने जो मार्किंग जो किया था उसका आप देखिए दोनों साइड पे मैंने ये ऐसे करके काट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बीच का जो पोर्शन है इसको यहाँ से निकल देना है ये, और थोड़ा सा बाकी है पीछे के साइड में ट्रेलिंग एज के साइड पे धीरे धीरे ऐसे करके निकलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो ये निकल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बीच में थोड़ा सा ये जो पोर्शन है इसको हम ऐसे करके हैंडल बना देंगे, ठीक है। इसको जस्ट ऐसे करके टच कर देंगे तो कि इसका ज़्यादा नहीं हो भाई। ये जो है ये एक डिजास्टर हो गया, ये होता है, हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ, ठीक है, चलो इसी से ही हम दिखाएंगे, इसी से कैसे कैसे करते हैं यही हम दिखाएंगे इसको ना जो है अच्छा करके। देखो बात यह है कि ये टूट गया, फिर भी मैं इसी से कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा कोई होता तो शायद ये एडिट कर देता। लेकिन मैंने जो सोचा कि अगर अगर तुम्हारे साथ भी ये हादसा हो सकता है तब तुम क्या करोगे, तब तुम तो फेंक तो नहीं दोगे इसको। मैं भी नहीं फेंकूंगा, तो मैं जो करूंगा तो मैं इसीलिए इसको कैमरे के सामने ही कर रहा हूं। तो ये टूट गया, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान में रखोगे कि ये टूटना नहीं चाहिए, फिर भी ये अगर टूट गया तो ये ही प्रोसेस है। इसको पूरा सीधा करके पकड़ के बीचों बीच एक ऐसे ऐसे टेप मारना है कि इधर से निकल ना जाए दोनों साइड से, तो बीच में रहे। ऐसे करके एक मास्किंग टेप लगा लेना है। और ये देखो ये जो गैप जो मैंने बोल रहा था ये गैप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी गम दे के ये ऐसे करके यहाँ पे चिपका देना है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पूरा पूरा भर भर के देना है, पूरा ऐसे करके हम थोड़ा सा इसको पूरा कर लेंगे, जहाँ पे ना है वहाँ पे भी दे देंगे। और उसके बाद एक थोड़ा सा एक कुछ ऐसे एक टुकड़ा ले लेंगे, लेके इसको
इसको ऐसे करके पकड़ के इसको इसको पूरा जो एक्स्ट्रा जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा निकाल लेंगे तो ये पूरा अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद तीन ले लेंगे, सबसे पहले जो है वो हम लगाएंगे इसका जो मेन स्पार एरिया जो होगा वहाँ पे, और एक ऐसे कर ऐसे एक टुकड़ा ले लेंगे जो कि इसके नीचे में ये ऐसे करके देना है कि ये जहाँ तक आए वहाँ पे इसको छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद एक साइड पे लगा लेंगे, थोड़ा सा उठा के इसको करेंगे तो कि ये जो थर्मोकोल है थोड़ा सा इसका बाद में ये थोड़ा सा नीचा हो जाएगा, तो ये उसी को माथा ध्यान में रखते हुए हम इसको थोड़ा सा आगे करके ये करेंगे। सो इस पोर्शन में आके आपको जो है एक एक दिन के लिए छोड़ देना है, मतलब 24 घंटे के लिए, क्योंकि ये जो फेविकॉल है ये 24 घंटे में सूखता है सबसे अच्छा।